हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी रनिंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेक्स्ट टॉपिक है फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव पैकेट। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगे, जब टू और मोर देन टू वेव सेम मीडियम में प्रोपगेट होती है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें देखना है। यदि दो वेव्स सेम मीडियम में प्रोपगेट हो रही हैं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दोनों इंडिविजुअल वेव्स के एलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हेन टू वेव्स मीट द टोटल डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। जैसे कि यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं, ये वेव वन है वाई वन, वेव टू वाई टू, और रिजल्टेंट वेव हमें क्या मिल रही है, वाई मिल रही है। ये क्योंकि सेम फेज में है, इसलिए जो रिजल्टेंट वेव है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि यदि वेव एक वेव फेज में है, दूसरी अपोजिट फेज में है, तो ये दोनों क्या कर देती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, और इसका जो डिफरेंस है, ये जो हमको रिजल्टेंट वेव देखने को मिलती है, तो वो हमें इस टाइप से मिलती है, वाई इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई टू। डैट मीन्स रिजल्टेंट वेव जो इंडिविजुअल वेव के डिफरेंस के इक्वल होती है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ हमने एक और फिगर लिया है, इस ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं, हमने दो वेव्स ली हैं, एक ये ब्लू कलर से जिसे शो किया और दूसरी ग्रीन कलर से जिसे शो किया है, और रेड कलर से हमने रिजल्टेंट वेव को शो किया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों ही वेव्स ग्रीन और ब्लू कलर की दो वेव्स हैं, और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों वेव के कंपेरिजन में बड़ा है, मतलब इनक्रीज है। अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा, अब हम देखते हैं फेज वेलोसिटी क्या होती है। तो फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझने के पहले हम देखते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से ही हमारा वेव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, या जिसे हम फेज वेलोसिटी भी कहते हैं। तो डी ब्रोगली सर ने क्या बताया था, यदि कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी जिसे हम मैटर वेव कहते हैं, और उस वेव की एक डेफिनेट वेवलेंथ होगी। तो उस वेवलेंथ के लिए अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं यदि कोई मूविंग पार्टिकल है, यदि ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो उसके साथ क्या हो रही है, एक वेव एसोसिएट हो रही है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मैटर वेव बोल रहे हैं। मैटर वेव बोल रहे हैं, और वेलोसिटी हमें किसकी देखनी है, तो अभी हमें इस वेव की वेलोसिटी देखनी है, ना कि पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है। और इसकी कुछ डेफिनेट वेवलेंथ भी होगी इस वेव की, तो वेवलेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी, वेयर एच इज़ अ प्लैंक कॉन्स्टेंट, एम इज़ अ मास ऑफ पार्टिकल एंड वी इज अ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बट हमें यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं देखनी है, हमें किसकी वेलोसिटी देखनी है, तो हमें मैटर वेव की वेलोसिटी देखनी है। इस वेलोसिटी को ही हम, या वेव वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी कहते हैं। तो अब हम आगे डेफिनेशन देखते हैं फेज वेलोसिटी की। अभी हमने देखा कि डी ब्रोगली सर ने क्या बताया था कि यदि कोई पार्टिकल है तो उसके साथ सिंगल वेव एसोसिएट होगी, लेकिन ये हाइपोथेसिस इनकम्प्लीट थी। जब श्रोडिंजर सर आते हैं तो उन्होंने बताया कि यदि कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ सिंगल वेव एसोसिएट नहीं होती, बल्कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती है, और ग्रुप ऑफ वेव मिलकर क्या बनाती है, एक वेव पैकेट बनाती है, और उस वेव पैकेट में पार्टिकल की एग्जिस्टेंस हम वहाँ मानते हैं जहाँ पर वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट वेव है सपोज, तो यहाँ पर पार्टिकल की पोजिशन, यदि
यहाँ पर है, तो हम देखते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे है, तो इसके साथ सिंगल वेव ना एसोसिएट होकर ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होगी, और ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होने के बाद ये क्या करती है, एक एनवलप का फॉर्म करती है। ये इस प्रकार से हम देखते हैं, ये एनवलप फॉर्म करती है और इसमें मोर देन टू वेव्स मीन्स यहाँ पे दो या दो से अधिक वेव्स ग्रुप के फॉर्म में हो सकती है। और हम पार्टिकल की पोजीशन कहाँ मानते हैं, तो हम पार्टिकल की पोजीशन वहाँ मानते हैं जहाँ पर इस सिंगल वेव का क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या कैसा हो, मैक्सिमम हो। तो इस सिंगल वेव की वेलोसिटी को हम वेव वेलोसिटी कहते हैं या फिर फेज वेलोसिटी कहते हैं, और इस पूरे एनवलप की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं आगे। अब हम फेज वेलोसिटी देखते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि डी ब्रॉगली सर ने क्या बताया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ एसोसिएटेड विद सिंगल वेव, बट आफ्टर कमिंग द श्रोडिंगर सर ने क्या बताया कि सिंगल जब मूविंग पार्टिकल होता है तो उसके साथ सिंगल वेव एसोसिएट ना होकर ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती है, और ये ग्रुप ऑफ वेव ही क्या फॉर्म करती है, एक एनवलप या वेव पैकेट फॉर्म करती हैं, और ये इस एनवलप की वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। और इस वेव पैकेट के अंदर जो सिंगल वेव होती है उसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी कहते हैं। तो अब फेज वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, द फेज वेलोसिटी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द वेव एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज ओमेगा एंड वेव वेक्टर के बाय के, इसको हम प्रोपोगेशन वेक्टर भी बोलते हैं या फिर वेव नंबर भी बोलते हैं के को। तो के क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर होता है, वाई के इक्वल्स टू 2π बाय लैम्डा, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब हम फेज वेलोसिटी को डिराइव करेंगे तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इक्वेशन फॉर द प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव प्रोपोगेटिंग टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो इसके लिए इक्वेशन क्या ले लिया हमने प्रोपोगेटिंग वेव के लिए, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, वेयर a इज़ अ एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इक्वल्स टू टाइम, k इज अ प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, और x इक्वल्स टू जब हम x टुवर्ड्स x एक्सिस वेव प्रोपोगेट कर रही है। नाउ फेज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, तो अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ओमेगा t माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब हम इस इक्वेशन को यदि डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, ओमेगा डी टी माइनस के डी एक्स। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, वी पी इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। यदि हम इसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, डी एक्स बाय डी टी, इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं हम, ओमेगा डी टी इक्वल्स टू के डी एक्स लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, तो ओमेगा बाय के मिलेगा हमें इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी मिल जाएगा। तो ये जो ओमेगा बाय के मिल रहा है यही वैल्यू हमारी क्या बताती है, वेव वेलोसिटी को या फिर फेज वेलोसिटी को बताती है। अब हम ग्रुप वेलोसिटी देखते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन क्या लिखी है, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द वेलोसिटी विथ विच द वेरिएशन इन द शेप ऑफ द वेव्स एम्पलीट्यूड नोन एज द मॉड्यूलेशन और एनवलप ऑफ द वेव प्रोपगेट्स थ्रू द स्पेस, द ग्रुप वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। नाउ ग्रुप वेलोसिटी, अभी हमने क्या देखा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ क्या होगी,
उसके साथ वेव एसोसिएट होगी, और सिंगल वेव एसोसिएट नहीं होगी बल्कि ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट होंगी। तो ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होगी मेन जो डिफरेंट डिफरेंट वेव होंगी उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी और एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होगा। तो उस जो पूरा एनवलप बन रहा है उसकी वेलोसिटी हमें देखना है कि हमें क्या मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी जी इक्वल्स टू डेल ओमेगा अपॉन डेल के, इसे हमें डिराइव करना है। तो आगे हम इसका डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे डिराइव किया हुआ है। तो डेल ओमेगा क्या है यहाँ पे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, स्लाइटली चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट वेव्स एंड स्लाइटली चेंज इन प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट्स। तो अब हम इसको डिराइव करके देखते हैं। यहाँ हमने अब हम डेरिवेशन देख रहे हैं, तो हमने दो इक्वेशन ली है दो वेव के लिए, वाई वन इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा वन टी माइनस के वन एक्स। नेक्स्ट है सेकेंड वेव के लिए वाई टू इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के टू एक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले ही देख लिया है फेज वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अपॉन के होती है। तो हमने यहाँ पे ओमेगा अपॉन के वन इक्वल्स टू वी वन ले लिया है और ओमेगा टू अपॉन के टू इक्वल्स टू वी टू ले लिया है, विच इज़ वी वन एंड वी टू आर द फेज वेलोसिटी। नाउ वी गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव आफ्टर सुपर पोजिशन। हम सुपर पोजिशन, हमें पता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, द रिजल्टेंट वेव रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू एलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल वेव। तो हम दोनों जो वेव लिए हमने वाई वन एंड वाई टू, हम दोनों का एडिशन कर देते हैं। आफ्टर एडिशन हम देखते हैं हमें क्या, हमने इस इक्वेशन में हमने y1 प्लस y2 किया है। तो अब हमने 11th क्लास मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन c प्लस d, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या था, 2 साइन c प्लस d बाय 2 कॉस c माइनस d बाय 2। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला, ये हमें दो टर्म्स मिल रही हैं, एक साइन के फॉर्म में और दूसरी कॉस के फॉर्म में। तो जो साइन के फॉर्म में हमें ये जो टर्म मिल रही है ये रिप्रेजेंट करती है फेज वेलोसिटी को, और कॉस के टर्म में के फॉर्म में जो हमें एक टर्म मिल रही है ये रिप्रेजेंट करती है ग्रुप वेलोसिटी को। तो हमें ग्रुप वेलोसिटी देखनी है, तो ग्रुप वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, तो हम ये देख लेते हैं। और इस टू का इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये टू क्या बताता है, ये एम्पलीट्यूड को बताता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमें यदि सेम फेज में वेव्स प्रोपोगेट हो रही हैं तो एम्पलीट्यूड कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो हमें इसका इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बस ये एम्पलीट्यूड को बताता है कि एम्पलीट्यूड डबल हो रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं, अब हम इस इक्वेशन को हम शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है y इक्वल्स टू टू ए कॉस डेल ओमेगा टी माइनस डेल के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हमने इसे लिखा कैसे है, तो यहाँ पे हमने डेल ओमेगा की वैल्यू हमने क्या ली है, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डेल के की वैल्यू ली है, के वन माइनस के टू ओमेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे ओमेगा जो है इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू है। वाई, बिकॉज जो हमने वेव्स ली है, जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स ली है, जो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसमें बिल्कुल स्लाइटली चेंज है, स्मॉल चेंजेस होने के कारण ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ रहा है बिल्कुल स्मॉल चेंज आ रहा है, इसलिए हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले लिया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को और प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंस को भी। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं इक्वेशन वन यहाँ हमने कौन सी ली है, ये वाली इक्वेशन ली है। तो इक्वेशन वन रिप्रेजेंट वेव पैकेट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट, क्योंकि जो हमारा वेव पैकेट बन रहा है ग्रुप ऑफ वेव से, जो हमारा वेव पैकेट बन रहा है तो उसकी जो एम्पलीट्यूड होगा, तो यहाँ पे अब न्यू एम्पलीट्यूड आएगा, तो न्यू एम्पलीट्यूड को हम किस टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस कॉस वाले टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉस वाले टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कैसे देख रहे हैं इसे, ए इक्वल्स टू 2a cos डेल ओमेगा t माइनस डेल kx,
इक्वल्स टू 2a cos। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमें चाहिए है डेल ओमेगा बाय डेल के, तो हमने डेल के कॉमन निकाल लिया है, या हम इसे कह सकते हैं हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया है, तो हमें क्या टर्म मिल जाएगी, डेल ओमेगा बाय डेल के माइनस के एक्स। तो ये हमारी क्या मिल जाएगी, ग्रुप वेलोसिटी की टर्म मिल जाएगी। तो नाउ वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट और ग्रुप वेलोसिटी, तो bg इक्वल्स टू डेल ओमेगा बाय डेल के, यही हमें प्रूफ करना था। तो जैसे कि हम जानते हैं फेज वेलोसिटी क्या होती है, vp इक्वल्स टू ओमेगा बाय k होती है। तो यदि हम यहाँ पे ओमेगा की और k की वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मेरा वैल्यू मिल जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू हम क्या है, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाय टू अपॉन के वन माइनस के टू बाय टू। तो इस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो इस हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ओवर के वन माइनस के टू, विच इज़ रिप्रेजेंट द ग्रुप वेलोसिटी, विच इज़ इक्वल्स टू vg इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी के। दिस इज आर ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी vg इज़ द रेशियो ऑफ द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ओमेगा टू द एसोसिएटेड चेंज इन फेज प्रोपोगेशन कांस्टेंट के। दैट मींस जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी आ रही है वो किसके कारण आ रही है, जो हमारा स्लाइटली चेंज हो रहा है जो फेज वेलोसिटी है उसमें, या फिर वेव पैकेट के फ्रीक्वेंसी में जो स्लाइटली, जो इंडिविजुअल वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो स्लाइटली चेंज हो रहा है, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट में जो चेंज हो रहा है उसके डिफरेंशियल के इक्वल है। तो ये थी हमारी ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव। अब आप इस फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वेव पैकेट को एक्सप्लेन किया है, जैसे हमने यहाँ लिया है वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर। अब ये चारों वेव्स एसोसिएट होकर क्या बना रही है, एक वेव पैकेट बना रही है, और इस वेव पैकेट में ही क्या हो रही है, ग्रुप ऑफ ये चारों वेव्स ही मिलकर क्या बना रहे हैं, वेव पैकेट बना रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ प्रोपगेट इन द सेम डिफरेंस सेम डायरेक्शन, दे आर सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द वेव पैकेट वेव इन अ लोकलाइज्ड स्पेस। मीन्स जब ये चारों वेव्स एसोसिएट होती है और आफ्टर पोजीशन सुपर पोजीशन हमें क्या मिलता है, वेव पैकेट मिलता है, क्योंकि जब बिफोर सुपर पोजीशन इनकी जो वेवलेंथ होती है और एम्पलीट्यूड होता है सभी क्या होता है, सभी वेव्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जब ये एक वेव का फॉर्म, वेव पैकेट फॉर्म कर लेती हैं, तो इसकी जो इसके अंदर ग्रुप्स ऑफ वेव्स आती हैं और ये क्या बना लेती है, एक वेव पैकेट फॉर्म करती है, और इस वेव पैकेट में ही हम क्या मानते हैं कि पार्टिकल जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो वहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार आज हमने क्या क्या देखा, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा, फेज वेलोसिटी देखी, ग्रुप वेलोसिटी देखी और वेव पैकेट देखा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।